BJP's Lok Sabha candidate from Vidisha, Madhya Pradesh, Sushma Swaraj, while addressing a press conference, said that the BJP's manifesto aimed to make India a superpower with the help of the citizens of India. She added that BJP had full faith in India's resources, skills and originality. Swaraj took a dig at Congress's manifesto, saying that Congress wanted India to develop with the help of foreign funds by taking the route of zero aversion to FDI. एक और अंतर मुझे इस घोषणा पत्र में दिखाई दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था जिसमें पहले ही पन्ने पर उन्होंने लिखा था वील हैव जीरो अवर्शन टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम विदेशी पूंजी निवेश के प्रति तनिक भी आपत्ति नहीं करेंगे। तो उनकी सोच भारत को विदेशी पूंजी निवेश के आधार पर विकसित करने की है। उनकी पूरी सोच में विदेशी पूंजी निवेश की बैसाखियों पर देश को खड़ा करने की सोच है, लेकिन यह घोषणा पत्र कहता है कि हम भारत को भारतीयों के आधार पर एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें भारत की मौलिकता में विश्वास है, हमें भारत की उद्यम क्षमता पर विश्वास है और हमें भारत की अथाह पूंजी पर विश्वास है। Swaraj said that the country was in bad shape with trade and business coming in to a standstill. She took a dig at the ruling party, saying that their ministers were not signing important documents which had the potential to bring about a change in society. Sushma promised that BJP's manifesto had the power to bring the nation back on its feet within months of the Saffron party coming to power. वर्तमान में देश ठप पड़ा है, कुछ भी चलता हुआ दिखाई नहीं देता। उद्योग बंद है, व्यापार मंद है, फाइलों के ढेर लगे हैं, मंत्री निर्णय नहीं ले रहे, अफसर साइन नहीं कर रहे। और इस ठप देश को चलाने का संकल्प लेने वाला ये दस्तावेज हमने आपके सामने रखा है। आप इसके एक एक पन्ने को देखेंगे तो ये पाएंगे कि हमने कहा है कि हम शासन में आते ही इस ठप देश को खड़ा करके चला देंगे और थोड़े ही दिनों में दौड़ा देंगे। This report was brought to you by NNIS.